दोस्तों ये जो तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये नौजवान उस जगह पर खड़ा है जहां पर एक मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है। इसके गले में फांसी की रस्सी ढल चुकी है, इसके बावजूद भी ये नौजवान हमें हंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस नौजवान ने एक वायरस तैयार किया था जिसकी मदद से यूरोप की हजारों वेबसाइट्स को हैक किया जा सकता था। दोस्तों 2015 में एक खबर गर्दिश करती है कि एक हैकर हमजा बिन बल्लाज को अमेरिकी और इसराइली बैंक अकाउंट्स हैक करने पर और ये पैसा फिलिस्तीन के लोगों में डोनेट करने पर फांसी की सजा सुना दी। हालांकि दोस्तों ये खबर बिल्कुल फेक थी, लेकिन इस खबर से हुआ ये कि हमजा बिन बल्लाज मुस्लिम दुनिया का हीरो बना। इससे पहले इस नौजवान को कोई जानता तक नहीं था कि इसने किस तरह से एक शार्प मेथड के जरिए बिलियन डॉलर चुरा लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हमजा बिन बल्लाज ने एक वायरस किस तरह से क्रिएट किया और उस वायरस के जरिए उसने किस तरह से दुनिया को हैक कर लिया। Someone has broken into the national bank. The hundreds of millions of dollars from thousands of people. All these big bankers and all these big On any computer crime you want to look for the digital هاكر 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 يا جماعه لو انتبهتوا لحركاته هاكر। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का यह जानना बहुत जरूरी है कि हैकर्स होते कितने टाइप्स के हैं। हैकर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है व्हाइट हैट हैकर्स, जिसे इथिकल हैकर भी कहते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स अपनी स्किल्स का यूज करते हुए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के अंदर खामियां आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो व्हाइट हैट हैकर्स शरीफ हैकर्स होते हैं जो एग्जैक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं और अपनी एबिलिटीज का सही इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर ये हैकर्स ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमतों के लिए काम करते हैं ताकि सिस्टम सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके। हैकर्स की दूसरी किस्म ब्लैक हैट हैकर्स होती है। दोस्तों इस किस्म के हैकर से जहां तक हो सके बचना चाहिए, क्योंकि ये हैकर पहले सिस्टम के अंदर खामियां तलाश करता है और फिर उन्हीं खामियों की मदद से वो सिस्टम को ही हैक कर लेता है। ये हैकर अपना काम एक वायरस की मदद से करता है जो सिस्टम पर मौजूद सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ देता है। दोस्तों हैकर्स की मोस्ट डेंजरस टाइप ग्रे हैट हैकर है। दोस्तों ये हैकर विदाउट ओनर परमिशन सिस्टम के अंदर घुस जाता है और उसी सिस्टम के अंदर वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और इस टाइप का हैकर खुद ही फिर ओनर को इन्फॉर्म करता है और कुछ फीस चार्ज कर लेने के बाद उस प्रॉब्लम को वो ठीक कर देता है। दोस्तों ये हैकर ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स का मिक्सचर है। दोस्तों आईटी की दुनिया में ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स दोनों ही इलीगल है। तो दोस्तों हमजा बिन बल्लाज भी मोस्ट डेंजरस हैकर्स यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स में शुमार होता है, और ये अलग बात है कि इस हैकर ने अपनी स्किल्स का यूज कुछ पॉजिटिव वे में किया है। दोस्तों हमजा बिन बल्लाज अल्जीरिया के एक शहर ट्रियोजो में पैदा हुआ और 22 साल की उम्र में इसी फील्ड में उसने अपना ये कारनामा सरंजाम दिया। एक फलस्तीन जो कई दहाइयों से जुल्म बर्बरियत का शिकार है और दूसरी तरफ अफ्रीका जो गुर्बत की चादर में ढका हुआ है। दोस्तों हमजा बिन बल्लाज ने इन दोनों ममालिक की मदद करने का सोचा। हमजा बिन बल्लाज ने 2009 में स्पाई आई नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया के किसी भी बंदे का पर्सनल डेटा हैक किया जा सकता था, और हमजा बिन बल्लाज ने इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट्स हैक करने के लिए बनाया था। दोस्तों हमजा बिन बल्लाज ने ये सॉफ्टवेयर अपने दोस्त अलेक्जेंडर ओडविच के साथ मिलकर बनाया था। दोस्तों ये प्रोग्राम गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोर यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो के इस्तेमाल किए जाने वाले हर सर्च इंजन पर अटैक करके ऑनलाइन बैंक अकाउंट से पैसा चुरा सकता है, और ये सॉफ्टवेयर अंडरग्राउंड बेचा जाता है जिसकी कीमत इस वक्त भी ऑलमोस्ट $500 प्लस है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका, मेक्सिको, यूके और इंडिया का किया। दोस्तों हैकिंग की दुनिया में सबसे टॉप लिस्ट पे एक ज्यूस नाम का सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन दोस्तों जो प्रोग्राम हमजा बिन बल्लाज ने स्पाई आई नाम से बनाया था उस सॉफ्टवेयर ने ज्यूस सॉफ्टवेयर को भी पीछे छोड़ दिया। हमजा बिन बल्लाज ने इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और इसराइल के बैंकों पर अटैक करना शुरू किया। दोस्तों हमजा बिन बल्लाज ने सबसे पहले उन लोगों की डिटेल्स हैक करना शुरू की जो वहाँ के सबसे अमीर लोग थे। दोस्तों अभी मैं आपको हमजा बिन बल्लाज की माइंड गेम प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। हमजा बिन बल्लाज ने एकदम से तमाम अमेरिका के बैंकों से पैसा नहीं चुराया। हमजा बिन बल्लाज ने एक शार्प मेथड अपनाया, उसने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम अमेरिकी बैंकों से पैसा चुराना शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमजा बिन बल्लाज ने तकरीबन 280 मिलियन से ज्यादा पैसा फिलिस्तीन को डोनेट किया था और बाकी का तमाम पैसा उसने अफ्रीका को दे दिया था।
दोस्तों हमजा बिन दलाल अगर एकदम से तमाम बैंकों से पैसा चुराता तो उन्हें फौरन मालूम हो जाता, इसलिए हमजा बिन दलाल ने यह काम आहिस्ता आहिस्ता किया और बैंकों को अंदाजा तक नहीं। और दोस्तों दूसरी तरफ हमजा बिन दलाल ने अमेरिका और इसराइल की वेबसाइट्स को हैक करना शुरू कर दिया। अमेरिका और इसराइल जो खुद को दुनिया के सामने एक लीडर के तौर पर पेश करते हैं, ये दोनों ममालिक भी हमजा बिन दलाल के सामने बेबस नजर आए। दोस्तों हमजा बिन दलाल 5 डिफरेंट लैंग्वेज में महारत हासिल रखता था जो उसको पैसा और मालूमात ट्रांसफर करने में मदद फराहम करती थी। लेकिन दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ बैंकों को ये मालूम हुआ कि हमारे अकाउंट से इलीगल पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उन्होंने व्हाइट हैट हैकर्स को हायर किया और FBI भी इस केस में इन्वॉल्व हुई। और दोस्तों दूसरी तरफ ऑनलाइन दुनिया में हमजा BX1 के निकनेम से मशहूर होने लगा। दोस्तों बैंकों को हैक होते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक FBI और व्हाइट हैट हैकर्स को ये मालूम नहीं हुआ था कि हमजा बिन दलाल कौन है। इवन उनको ये मालूम नहीं हुआ था कि इसके पीछे आखिर है। आखिरकार दोस्तों FBI के एक अंडरग्राउंड ऑफिसर को एक लीड मिलती है। FBI के अंडरग्राउंड ऑफिसर ने डार्क वेब पर इस सॉफ्टवेयर को जिसका नाम SpyEye था इसको खरीदने की कोशिश की, जो उस वक्त डार्क वेब पर $850 प्लस मिल रहा था। इसको खरीदते वक्त वहां पर उसने हमजा को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद FBI उसको चेज करती रही और दोस्तों इसी के दौरान हमजा बिन दलाल इंटरपोल और FBI की top 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। जब FBI हमजा को चेस कर रही थी तो 4 अप्रैल 2013 को थाईलैंड में हमजा को गिरफ्तार किया गया, जब हमजा बिन दलाल अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि जब हमजा बिन दलाल को थाई पुलिस ने अरेस्ट किया तो हमजा बिन दलाल के मुंह पे कोई शर्मिंदगी और नदामत नहीं थी, वो उस वक्त भी मुस्कुरा रहा था, जिस पर उसे स्माइलिंग हैकर का नाम दिया गया। और इसके बाद दोस्तों हमजा बिन दलाल को थाई पुलिस ने अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका की अदालत ने हमजा बिन दलाल को पैसा चोरी करने और ये पैसा फलस्तीन के लोगों को डोनेट करने के जुर्म में 30 साल कैद और $14 बिलियन जुर्माना कर दिया। और आज भी हमजा बिन दलाल अपनी सजा काट रहा है। 2015 को एक वेबसाइट ने फेक न्यूज फैलाई थी कि हमजा बिन दलाल को फांसी दे दी गई है। ये फेक न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैली थी और उस वक्त बराक ओबामा को भी एक अपील सबमिट की गई थी कि हमजा बिन दलाल को रिहा किया जाए, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ था। इस फेक न्यूज के फैलने पर अमेरिका के एम्बेसडर ने एक आर्टिकल लिखा था कि कंप्यूटर क्राइम कोई कैपिटल क्राइम नहीं है और इस पर कोई भी डेथ पेनल्टी नहीं लगती। और दोस्तों दूसरी तरफ हमजा बिन दलाल के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने हमजा बिन दलाल के साथ मिलकर SpyEye नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था और उसको 9 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक SpyEye प्रोग्राम से सिर्फ 2 सालों में 1.4 मिलियन कंप्यूटर्स इफेक्टेड हुए और $1 बिलियन चोरी किए गए। यह SpyEye नाम का प्रोग्राम आज भी डार्क वेब पर सेल हो रहा है। लेकिन खबरदार, इस वीडियो में जितनी भी मालूमात दी गई है ये सब इंफॉर्मेशन पर मबनी है और कंप्यूटर क्राइम की पेनल्टीज भी आने वाले जो डिजिटल दौर है इसमें बदल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ऐसा कोई इलीगल काम करते हो तो आप अपना कंप्यूटर भी इससे हैक करवा सकते हो, इसलिए दोस्तों इलीगल एक्टिविटी करने से सख्ती से मना किया जाता है। उम्मीद करता हूँ हमजा बिन दलाल के इस कारनामे के बारे में आपको मालूमात अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए काशी वतनी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।